नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में इतनी ज्यादा रिलीजियस ओसीडी क्यों होती है। मैंने एक ओपिनियन पोल, एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको कौन सी ओसीडी है। उसमें 300-400 लोगों ने वोट किया था और सबसे ज्यादा जो टॉप की थी रिलीजियस ओसीडी और कंटामिनेशन ओसीडी थी। ठीक है, रिलीजियस ओसीडी पे भी सबसे ज्यादा सवाल मुझे पूछे जाते हैं, तो मैं वही सोचने लगा कि रिलीजियस ओसीडी इंडिया में इतनी क्यों है। हर दूसरे बंदे को रिलीजियस ओसीडी है, जिसको भी ओसीडी है उसमें से हर दूसरे बंदे को रिलीजियस ओसीडी है। तो क्या इशू क्या है, ये फंडा क्या क्या हो क्या रहा है। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि जो ओसीडी आपको जो होती है ना, अगर आपको ओसीडी है या किसी को भी ओसीडी है, तो जो होती है वो होता है जो कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उससे रिलेटेड ओसीडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो प्रेगनेंसी में जो मतलब बच्चा हो जाता है उनको, लड़कियों को, तो उन देखा जाता है कि वो उनको ना ज्यादा हार्म ओसीडी होता है अपने बच्चों से लेके, कि मैं अपने बच्चे को फेंक दूंगी, मैं अपने बच्चे को कुछ गलत खिला दूंगी, क्योंकि उनके लिए वो बच्चा इंपॉर्टेंट है। उनका जो हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है। वो है ना, खतरा देखता है हमारे लिए कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, क्योंकि वो खतरा सॉल्व करना चाहता है। बट हम क्या करते हैं कि अरे ये विचार आ रहे हैं मुझे, तो ये नहीं है कि हमारा ब्रेन खतरा बता रहा है, हम उसको आइडेंटिटी मान लेते हैं कि नहीं, ये विचार आ रहे हैं मतलब मैं खराब। ठीक है, तो हमें जो मतलब ये जो बेसिकली जो थॉट्स आते हैं, जो हमारा माइंड हमें थॉट्स देता है, वो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करे, हम ये विचार है, ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करो, इसके लिए आते हैं। बट हम उनको ऐसा नहीं लेते और अपनी आइडेंटिटी, जैसे मैंने बताया, वो बना लेते हैं, और उससे वो थॉट्स को इम्पोर्टेंस मिलता है और हमें और इंट्रूसिव थॉट्स आने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोरोना के टाइम पे लोगों को कंटामिनेशन ओसीडी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम सफाई बहुत जरूरी थी कि अगर साफ नहीं होगा तो आपकी जान चली जाएगी, तो कंटामिनेशन ओसीडी ज्यादा होने लग गई। या फॉर एग्जाम्पल, अपने को भी, जैसे मुझे भी जो लोग प्रिय है मुझसे, तो उससे उनके विचार बारे में विचार आते हैं, अगर उन हर्ट करने के वगैरह के, तो वो हर्ट मतलब हार्म ओसीडी, तो वो मुझे आते थे पहले। तो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल लोगों को पढ़ाई के बारे में या एग्जाम्स वगैरह कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये वो, ये विचार चलते रहते कब, एग्जाम के टाइम पे, जब तुम बिरजू की दुकान पे बैठ के चाय पी रहे हो तब नहीं आएंगे तुम्हें, तो आराम से दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो तभी तुम सोचो ना। अगर तुम कुछ क्रिकेट खेलने लग गए या स्पोर्ट्स खेलने लग, फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत थॉट्स आ रहे हैं तुम्हें और तुम कुछ अपने दोस्तों के साथ निकल गए, या कुछ तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही थ्रिलिंग हो गया, कोई, या तो जो लड़की तुम्हें पसंद है उसने हाँ कह दिया कि चलो डेट पे चलते हैं, तब विचार नहीं आएंगे तुम्हें भैया। विचार आएंगे जब तुम बैठे हुए हो, जब तुम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, अकेले हो, बैठे हुए हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, तब आएंगे तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तब तुम्हें अपना फोकस चाहिए। ठीक है, एक जगह पे, और तुम्हारा जो थॉट है, जो ये सारे थॉट्स, जो इंट्रूसिव थॉट्स है, वो तुम्हारा फोकस चुराते हैं। अब ये समझ गए तुम, है ना। अब इंडिया में रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह देखो, टीवी पे, मूवीज में, मूवी रिलीजन पे कितनी मूवीज बनती है, टीवी पे भी भगवान, अगर फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स वगैरह भी, कोई बंदा स्पोर्ट्समैन खेलना चाहता है, वो पहले भगवान का नाम लेगा फिर अपना स्पोर्ट खेलेगा, है ना। इंडिया में पाकिस्तान में जो साथ में मतलब जो कंट्री है, उसमें रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक रिलीजन में या तो एक किताब है या तो कोई भगवान है जिसको हम बड़ा मानते हैं। अब सब लोग हमें बोलते हैं बचपन से कि उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके बाद मतलब वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी रिस्पेक्ट करो, नहीं तो तुम्हें ये हो जाएगा, भगवान देख रहा है कुछ गलत काम कर रहे हो। तो तुमको पता है बचपन से, जब तुम छोटे हो, जब तुम्हारे बिलीव्स बनने शुरू भी नहीं हुए थे, जब तुम बस इमोशनल इंसान थे, बस इमोशंस पे जीते थे, तब से तुम्हें ये बोला गया है कि ये जो भगवान है, ये जो किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सोचो कि तुम्हारे अगर उसके बारे में गलत विचार आ गए, या तुम बेसिकली अपने आप को कह रहे हो कि नहीं, उसके बारे में गलत विचार नहीं आने चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो क्या होगा कि तुम्हें अगर एक भी थॉट आता है, एक भी थॉट गलत आता है उसके बारे में, तो तुम्हारा तो पूरी मतलब तुम्हारी तो लंका लग जाएगी, राइट। तुम सोचोगे अरे ऐसा कैसा हो गया। ठीक है, तो या तो तुमको भगवान के बारे में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, या लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल विचार आने लगते हैं जहां पे नहीं आने चाहिए, तो उस टाइम खोपड़ी घूम जाती है ना कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझको पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये विचार नहीं आने चाहिए, तो भी क्यों मुझे आ रहे हैं। तो हम अपनी आइडेंटिटी से ले लेते हैं, हम अपने आप को स्टॉप मतलब फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, बट हमको जैसे पता है कि हम अपने विचार स्टॉप नहीं कर सकते, राइट। तो
ये एक सिचुएशन बन जाती है कि ये जो चीज़ आपको बताया है बचपन से कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तो भी आप उस चीज़ को, आप मतलब उस चीज़ के बारे में आपको गलत विचार आ रहे हैं, तो आपको आपको एंग्जाइटी तो होगी ना, घबराहट तो होगी, वो नॉर्मल है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो चीज़ रिलीजन जो है वो इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ओसीडी भी उन्हीं चीज़ों के पे ही होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट कि इंडिया में, पाकिस्तान में इतना रिलीजियस ओसीडी क्यों है, क्योंकि जो रिलीजन है वो ना फेथ बिलीफ का फंडा है, कि मतलब कि मैं फेथ, मुझे, मैं बिलीव करता हूँ। मेरा बिलीव और तुम्हारा बिलीव डिफरेंट हो सकता है यार। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैं बोलूंगा कि मेरा जो फेवरेट बैट्समैन है, जिसका कवर ड्राइव बेस्ट है, वो है विराट कोहली। पाकिस्तान में कोई लाहौर में बैठा हुआ है और वो बोलेगा कि नहीं, ये क्या बकवास कर रहा है, बाबर आजम का कवर ड्राइव बेस्ट है। अब मुझे बताओ कि कौन सही कौन गलत। अब मैं क्या बैठ के मतलब ज्योमेट्री से कि नहीं, कवर ड्राइव का ये 45 डिग्री पे ही बॉल जानी चाहिए, तो नहीं, विराट कोहली की 43 डिग्री पे जाती है और बाबर आजम की 44 पे जाती है, तो बाबर आजम का बेस्ट है। नहीं, विराट कोहली का जो पैर है बिल्कुल बैट के साथ रहता है, उसमें सिर्फ 0.15 इंच का डिफरेंस है, पर नहीं, बाबर आजम के बैट और पैड के बीच में 0.23 इंच का डिफरेंस है, तो विराट कोहली का बेटर है। भाई तू अपने आप को चाटा मार और सो जा, ऐसे नहीं जिया जाता। हर चीज को इतनी बारीकी से, हर चीज को मैथ्स लगा के, लॉजिक लगा के नहीं होता है, ये एक बिलीफ की बात है। कोई ये देखो कितने लोग लड़ते रहते हैं ना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेस्ट है, नहीं मेसी बेस्ट है, या फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा का छक्का ज्यादा लंबा जाता है, नहीं किसी और का छक्का, एबी डिविलियर्स का छक्का लंबा जाता है, सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर है, बेटर है एबी डिविलियर्स से, कोई बोलेगा नहीं एबी डिविलियर्स इज द गोट, ये हनी सिंह बेटर है, नहीं बादशाह बेटर है, ये हर जगह होता रहेगा। अब मैं बताऊं कि रिलीजन में भी जो चीज है, ये जो रिलीजन है वो फेथ वाली चीज है। रिलीजन में भी आप देखते हो कि लड़ाइयां वगैरह होती है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं कि ये रिलीजन बेटर है, वो रिलीजन बेटर है, पर हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेथ का मामला है यार, फेथ को तुम लॉजिक नहीं लगा सकते। तो ये फंडा समझ लो कि जो फेथ है, बिलीफ है, फीलिंग्स है, उस पर लॉजिक नहीं लगता। अब कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई माँ है, उसके सामने विराट कोहली और अपना बच्चा है, और उनमें से दोनों में से वो करना है कि कोई चूज करना है, तो अपने बच्चे को ही चूज करेगी, वो ये नहीं देखेगी विराट कोहली ने इतना सब कुछ कर लिया, या फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट हो, या कोई जो चेस मास्टर है, जो अभी चेस मास्टर जीते हैं, ग्रैंड मास्टर जीते हैं, जो बच्चा जीता है 13-14 साल का, उसको रख लो और अपना बच्चा रख लो, तो माँ अपना बच्चा ही चूज करेगी हमेशा कि मेरा बच्चा ही सबसे बेस्ट है, कि वो फीलिंग है यार, तुम फीलिंग पे नहीं लगा सकते। और मैं एक बात बताऊं तो जो दुनिया है ना, फीलिंग पे ही चलती है। तुमको ये दिल से अच्छा लगता है ये शो, मतलब मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे लॉजिकली पता है कि पढ़ाई करनी है, पर नहीं, ये नया शो आया है, ये बहुत सही लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है इसकी वजह से, और तुम वो जो अच्छा लगने वाली चीज है ना, वही तुम्हें फंसा रही है। फीलिंग से ही दुनिया चलती है, पर तुम्हें अपनी जो फीलिंग है वो विजडम से, सेल्फ अवेयरनेस से मैनेज करनी होगी। मतलब जैसे ये होता है ना कि तुम डाइट कर रहे हो, तो डाइट कर रहे हो, सामने समोसा रखा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी बॉडी को या तुम्हारे पेट को पता है कि अच्छा राजविंदर डाइट कर रहा है, तो नहा, उसको समोसे की तरफ तलब नहीं होनी चाहिए, वो तलब नहीं जाएगी, चाहे तुम डाइट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तुम, चाहे मतलब मैं मतलब इतना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं तो रिलीजियस व्रत कर रहा हूँ, फास्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए। भाई तुम्हारी बॉडी को नहीं पता है कि तुम फास्ट कर रहे हो, तुम्हारे माइंड को पता है पर तुम्हारी बॉडी को नहीं पता है, बॉडी को जब भूख लगती है उसको लगेगी, जो हैबिट बनी हुई है उसकी बनेगी, वो होगी, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी जो है वो सेम बॉडी किसी अमेरिकन या कैनेडियन की भी है जो बैठ के मस्त खा रहा है उस टाइम पे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बिलीव्स अलग है पर तुम्हारी बॉडी तो सेम है ना, तुम्हारी बॉडी कैसे काम करती है वो सेम है सबकी, सब वो सबकी एक ही जैसी काम करती है। हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, मैं एक बात बता देता हूं तुम्हें कि वी आर मोर सिमिलर देन वी आर डिफरेंट। हम लोग सारे अक्रॉस कंट्रीज हम लोग सिमिलर है, मोर, वी आर मोर सिमिलर देन वी आर डिफरेंट। तुम खुद देख लो कि कितने जोक्स बनते हैं ना, कि पति पत्नियों पे जोक्स बनते हैं, या ये जोक्स बनते हैं कि गर्लफ्रेंड ऐसा करती है वैसा करती है, सब लोग हंसते हैं उस पे, क्यों? क्योंकि वो कॉमन है, हम लोग ज्यादा सिमिलर है देन वी आर डिफरेंट। हम फाइनली ह्यूमंस है ना, हम इंजीनियर, डॉक्टर,
सिख ईसाई सब बाद में है, पहले ह्यूमंस है। तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो सेम है। इसी के लिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि साइकोलॉजी की किताब और मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन कंडीशन कि हम है कौन। एक किताब बहुत ही अच्छी है इस चीज में समझने के लिए, वो है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है एक, और एक ब्रेन करके किताब है, ठीक है, स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस है। ये दो तीन जो किताब है वो काफी अच्छी है तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हारी जो ह्यूमन कंडीशन है, वी एज अ ह्यूमन कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि माइंड वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है, ये सब चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। तो ये सब किताबें पढ़ना जरूरी है। तुम वीडियोस भी देख सकते हो, मेरे वीडियोस भी, मैं अपने वीडियोस में भी बहुत ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताता हूँ, तो तुम वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो उसका रिलीजियस मतलब रिलीजियस ओसीडी होता है। सेकेंड है कि ये बिलीफ की बात है जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सबका बिलीफ अलग है कि वो बाबर आजम का कवर ड्राइव अच्छा है या विराट कोहली का, तो जिस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता उसके बारे में तुम्हें विचार आएंगे कि ये अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ कि तुम प्रूव कर सकते हो लॉजिक से? तुम क्या सोच सोच के बस वो लूप एक सर्कल में रह जाओगे? और उसी से ज्यादातर रिलीजियस ओसीडी में या तो रैशनलाइजिंग कंपल्शन होता है, एक्सटर्नल कंपल्शन भी होते हैं, पर रैशनलाइजिंग कंपल्शन बहुत ज्यादा होता है कि अपने आप को दलील देना कि नहीं मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं तो यार दो तीन बार पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो लंगर भी करवाता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं अगरबत्ती लगाता हूँ, मैं खराब इंसान नहीं हूँ, ये विचार तो ऐसे ही आए हैं। ऐसी सब दलीलें चलती रहती है क्योंकि तुम सॉल्व नहीं कर सकते, वो एक सर्कल होगा। तुम दलीलें दोगे, कुछ और आ जाएगा, फिर उसको दलीलें दोगे, और फिर 60 साल के हो जाओगे और मर जाना, बाय बाय टाटा, खत्म, बाय बाय टाटा, राहुल गांधी को याद करना फिर। तो जो ये चीज है जिसका जो चीज तुम्हें पता है, जैसे मैंने बताया कि सबका डिफरेंट आंसर है, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, तो उससे उलझते क्यों हो तुम? कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज करो एक्ट थेरेपी का और उस विचारों को जाने दो। वो विचार आ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अगर 6-7 साल का बच्चा है, तुमको गाली देता जा रहा है या कुछ भी करता जा रहा है, तुम्हें पता है वो बच्चा है, वो समझेगा नहीं। उसको ज्यादातर लोग क्या करते हैं, थप्पड़ मार के बैठा देते हैं ना। अनफॉर्चुनेटली तुम अपने थॉट्स को थप्पड़ मार के नहीं बैठा सकते, नहीं रोक सकते। तुमको उन विचारों को जाने देना होगा। इट इज लाइक कि ट्रेन, तुम ट्रैक के पास रहते हो, रेलवे ट्रैक के पास रहते हो, और तुम्हें मतलब ट्रेन जा रही है, ठीक है, तुम रेलवे ट्रैक के पास रहते हो, ट्रेन जा रही है, और ट्रेन से लोग जो है वो तुम्हें गाली वाली दे रहे हैं, तो अब तुम क्या ट्रेन रोक के उसे मारोगे बंदे को? वो तुम्हें पता है वो गाली इसलिए भी दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको नहीं रोका जा सकता। तो जो थॉट्स आ रहे हैं उनको तुम उनके साथ उलझोगे ना, वो थॉट्स तुमको छेड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम छेड़ सकते हैं और हम चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा ये, क्योंकि इसको लग रहा है कि दलीलें दे मैं हम हमको दलीलें देगा तो हम रुक जाएंगे। पर ट्रेन नहीं रुकती ऐसे, ट्रेन को जाने दो भाई, वो तो 2 सेकंड की ट्रेन है, चली जाएगी, अपना काम करो जो तुम कर रहे हो। तो ये बात मुझे तुम्हें समझानी थी, ये दलीलें वगैरह देके नहीं होगा कुछ। ये जो बिलीव्स है, ये बिलीव्स एक फेथ वाली बात होती है, फेथ को तुम लॉजिक नहीं लगा सकते। फेथ सबका डिफरेंट होता है। मैं बिलीव करता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं ना, कितने लोग हैं तुम सुनना फ्लोरिडा में या कहीं पे, 60 या 70 लोग, अच्छे खासे लोग, उन्होंने उनका ये बिलीव था कि दुनिया खत्म होने वाली है तो हम पहले ही जहर खा के मर जाते हैं। तो उनको तुम कितना लॉजिक दोगे यार? उनका तो बिलीफ हो गया इतना कि नहीं दुनिया खत्म होने वाली है। या कई लोग जो 2012 में बोल रहे थे, वो तो मूवी भी बन गई थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म हुई नहीं हुई ना, पर कई लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी कि नहीं 2012 में तो खत्म ही होने वाला है, तो क्या फायदा जीने का, खत्म कर दो अपने आप को। तो आंखें खोलो भाई अपनी, जो कई सारे, तो जो दुनिया है, जो लाइफ है ना, वो इतनी इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, एंड कई सारी चीजें हैं, कई सारे आंसर्स जो है, क्वेश्चंस है, उनका कोई आंसर नहीं है। तो बिना आंसर लिए जीना सीखो। मैंने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि अपने ओपिनियन पोल में कि मेरी जिंदगी में बहुत क्वेश्चंस है, अगर उस क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिल गए तो मैं अच्छी तरह से जीऊंगा। तो वो एक परफेक्शनिज्म का वो हो गया, तुम चाहते हो कि सब कुछ परफेक्ट हो, सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स मिले तब मैं अच्छी तरह से जीऊंगा। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा कोई, ऐसा जियोगे तो पछताओगे ही, मुश्किल में ही आओगे। तो इससे निकलो, ठीक है, तुम समझो कि ये जो फेथ है, ये जो बिलीव्स है,
इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है? इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, इनके साथ दलीलें आर्ग्यू करके मैं करूंगा तो फंसता ही रहूंगा, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंडिया में रिलीजियस ओसीडी ज़्यादा क्यों है, अगर रिलीजियस ओसीडी है तो उसको कैसे सॉल्व करें। मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा रिलीजियस ओसीडी की। या फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप सर्च भी करते हो नॉलेज लिबरेट्स रिलीजियस ओसीडी तो आ जाएगा वो वीडियो भी, आप देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, एक एक मिनट के छोटे वीडियोस डालता हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा डालता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से पहले डलते हैं उसमें इंस्टाग्राम में, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो वो वीडियोस भी तुम देख सकते हो, 30-30, 40-40 सेकेंड की, और उसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं बताता हूँ अबाउट थॉट्स, फीलिंग्स, अबाउट मेंटल हेल्थ। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं तुम्हें मोटिवेशन देता हूं इनसाइट से, इंटेलिजेंस से, ना कि यू कैन बाउंस बैक, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, उससे मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन आता है जो बल्ब जलता है ना दिमाग में, जैसे कार्टून में दिखाते थे, वो बल्ब जलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हारा, ठीक है? तो आई होप तुम्हें पसंद आई ये वीडियो, और पसंद से ज्यादा तुम कुछ समझे, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, कीप फाइटिंग।